भारत के साथ भारत की तरफ उनको झुकाओ। वो बुश के वक्त में पहले उन्होंने 2005 में उनको ये न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट ऑफर किया। क्लिंटन ने विजिट किया भारत पाकिस्तान, वो ऐसे ही आया था। ये नहीं है कि भांग पी के सोए रहे और जब इमदाद लेनी हो तो फिर हम जाग जाएं और फिर हम दौड़े भागते फिरें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, कैसे हो आप सब। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका और भारत के रिश्तों से बहुत जेलिस है अब, क्योंकि हो सकता है जो बाइडन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन जाएं। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग सी बेचैनी है। इस बात को लेकर पाकिस्तान से धुआं उठना शुरू हो गया है कि जो बाइडन भी ट्रंप के जैसे भारत को ही पहल देने वाले हैं। हमें भूल जाना चाहिए कि हमारी तरफ कोई नरमी बरती जाएगी, हमें डूम और करने को ही कहा जाएगा। अमेरिका का भारत से रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है, उनका स्वभाव ही भारत से मेल खाता है और उनके रिश्तों में कंटिन्यूटी देखी जाएगी। आज की वीडियो में शुमाइला न्याज और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब देखना यह है कि ट्रंप के बाद जो बाइडन अब आ चुके हैं, जो बाइडन ने आने के बाद बहुत पॉजिटिव जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपसे पूछना चाहूंगी क्या कहेंगे इस पर कि ट्रंप के बाद अमरीकी खर्चा पॉलिसी में आने वाली बड़ी तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, हो भी सकती हैं या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तब्दीलियां थोड़ी तो आएंगी लेकिन इतनी रेडिकल चेंजेस नहीं होंगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहां पे भी पॉलिसीज में डिपार्टमेंट बनाता है और जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं रीजन के, अगर आप उसमें देखें तो एक तसलसल चलाता है। मिसाल के तौर पे भारत के साथ भारत की तरफ उनको झुकाओ, वो बुश के वक्त में पहले उन्होंने 2005 में उनको ये न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट ऑफर किया। उससे पहले क्लिंटन ने विजिट किया भारत पाकिस्तान, वो ऐसे ही आया था चंद घंटों के लिए। फिर आप देखिए कि उसका तसलसल है लगातार भारत के साथ माहदे हो रहे हैं। सो पिछले अगर आप पिछले 20 साल की अगर उनकी देख लें पॉलिसी, तो उसमें आपको बाद नजर आएगा कि ग्रेजुअली वो भारत की तरफ टिल्ट करते हैं। हम अपने खित्ते के नुक्ता निगाह से बात कर रहा हूं, तो ये पॉलिसी में कंटिन्यूटी है बावजूद इसके कि चार सदर इसमें बदले हैं, क्लिंटन के बाद तीन और आ चुके। लिहाजा ये हमें जहन में रखना चाहिए कि पॉलिसीज जो है बड़ी कुवतों की, चूंकि उनके अपने मफादात हैं स्ट्रेटेजिक और रीजनल, लिहाजा वो उसमें कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी। बड़ा 19-20 फर्क, जैसे अभी ईरान के साथ एक अचानक माहदा हुआ था जिसमें से ट्रंप निकल गया, तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है कि कोई तब्दीली आ जाए। जाई जंगवी साहब, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या समझते हैं कि ट्रंप के बाद यानी जो बाइडन आने के बाद भी अमरीकी खर्चा पॉलिसी में आने वाली बड़ी तब्दीलियां क्या हो सकती हैं? लेकिन जी, जो कोई बड़ी ताकत बनता है तो उसके लिए ये नहीं है कि वो कोई शाम में पॉलिसी बनाई, दोपहर को बदल दी, दोपहर को बनाई तो सुबह में बदल दी। एक हुक्मरान आया तो उसने जहाद शुरू कराया, दूसरा आया उसने कहा ये तो फसाद था, तीसरा आया उसने कहा कि ये तो बहुत ही खराबी की हमने अपने मुल्क के लिए। जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें बनती हैं, वो कंसिस्टेंसी से बनती हैं। उनकी जो पॉलिसियां हैं दुनिया के हवाले से, वो बड़े बड़े इश्यूज पे एक जैसी रहती हैं। अब ये नहीं है कि ट्रंप आया उसने कहा कि जी अच्छा जी कल तो आलू छोले 250 रुपए किलो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो बाइडन के आने से कोई वो जो बहुत बड़ी तब्दीलियों की हम तवक्को कर रहे हैं ना, उस तरह की नहीं है। यानी उनकी ये जो अफगानिस्तान के हवाले से, जो हमारे जिनसे हमें दिलचस्पी है या जो हम पे असर अंदाज हो सकती है, मैं उन पॉलिसियों की बात कर रहा हूँ, वो वही रहेंगी। उनमें किसी किस्म की कोई बड़ी लंबी चौड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता इसमें हमें क्या करना चाहिए उन तब्दीलियों से, उनसे किसी भी अमरीकी हुक्मरान के आने जाने से जो हमें फर्क पड़ता है वो ये कि हम अपनी कोशिशें वहां तक एक्सेस के लिए, उन जो उनके ऑफिसेज हैं उनके अंदर अपने लोग दाखिल करने के लिए, या कम से कम अपने हमायतियों को वहां पे सपोर्ट की जाए। ये नहीं है कि भांग पी के सोए रहे और
जब इमदाद लेनी हो तो फिर हम जाग जाएं और फिर हम दौड़े भागते फिरें। और जो बाइडेन के आने से अलबत्ता जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो इमदाद के वो हाथ खुले रखेगा जो कि पिछले अमरीकी हुक्मरानों की वजह से हमें मिलती रही है। अब मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही जाहिद जंगी साहब, टाइम मेरे पास मदद के साथ कम होता है बहुत, तो आप समझते हैं कि कोई बड़ी तब्दीलियां रूनमा नहीं होंगी? जी बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आप क्या समझती हैं इस सवाल से, क्या बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो सकती हैं? शुमाइला, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनमा होंगी, क्योंकि जो भी पेंटागन की पॉलिसीज हैं वो अपने मफाद के लिए बनाते हैं, और उनका जो मफाद है वो सारी दुनिया को मालूम है कि उनका मफाद किन कंट्रीज के साथ मिलके पूरा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में से एक है कि जिनके साथ उनके बहुत सारे मफादात जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनके खत्ते में जो बाकी के हमारे खत्ते में जो बाकी के ममालिक हैं वहाँ पर उनके ज्यादा मफादात हैं और वो अपने उन्हीं मफादात को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि अगर कुछ खारजा पॉलिसी में तब्दीली होती तो वो ट्रंप के दौर में ही हमें नजर आ चुका होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां होंगी, और ये जिस तरह चल रहा है जैसे चल रहा है उसी को लेकर जो बाइडन जो है वो भी आगे चलेंगे। जी कसूरी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो सियासी पार्टियों की नहीं होती, वो रियासत की होती है, और रियासत का जो दस्तूर होता है कि वो रियासत की ना किसी दूसरी रियासत से परमानेंट दोस्ती होती है ना परमानेंट दुश्मनी होती है। जब बल्कि मफादात होते हैं सांझे, जब मफादात सांझे हो जाएं तो दोस्ती होती है, अगर मफादात में तसादम आ जाए तो फिर मुखालफत होती है। तो ये है, तो ये जो पार्टीज या उनके लीडर होते हैं वो रियासती पॉलिसी को अपनी शख्सियत से थोड़ी सी चाशनी जरूर देते हैं, उसका स्लांट जो होता है उसमें जरूर थोड़ा सा एक फायदा होता है। लेकिन बाइडेन का तो बहुत बड़ा तजर्बा, 40 साल से पब्लिक लाइफ में है, 2 दफा वाइस प्रेसिडेंट रहा है, उससे पहले अपना डेलावेयर का अपना रहा है, सेनेटर रहा है, तो ये लॉन्ग इनिंग उसने प्ले करके अब व्हाइट हाउस में पहुंचा है, तो उसके पीछे एक तजर्बा है, उसकी पर्सनैलिटी में एक सोबराइटी है, एक चाशनी है, एक खूबसूरती है। बाकी अभी हमें कोई ज्यादा उन पर इंसार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नया एक जो है इतिहाद बन चुका हुआ है जिसमें कि रशिया है, चाइना है, ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है। सो हमारी अब वो जो थी मजबूरी कि हमारी मिलिट्री की और फाइनेंशियल मैटर्स में, वो हमारी मजबूरी नहीं रही, वो मजबूरियां हमारी सी पैक और बाकी चीजों से जो है खासी वो सेटल हो चुकी हुई हैं।